मच का कॉन्सेप्ट है। बच्चों मैंने का जो कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में चले जाओ, चाहे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी के भी स्टूडेंट्स, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने यूज करना है वहाँ पर नाउन क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, मतलब जिसकी गिनती हम कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ हम मच का यूज करेंगे वहाँ पर नाउन कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल, मीन्स जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम फ्रेंड्स हैं उनकी गिनती कर सकते हैं ना। ठीक है, शुगर है तो उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स में हमने क्या लगाया, हमने लगाया क्या, मैंने, और शुगर में हमने, शुगर इतने छोटे छोटे इतने सारे पीसेस होते हैं, उसकी काउंटिंग कौन कर सकता है, नहीं कर सकते ना, तो वहां पर क्या लगाएंगे, मच। ठीक है, अब मैंने मान लो आपको कहा हाउ मच मनी यू हैव, मैंने आपको बोल दिया कि हाउ मच मनी यू हैव, आपको मैम ये क्या, ये तो गलत है। बिल्कुल सही हो, ठीक है, आप सोच रहे हो लेकिन ये गलत नहीं है बेटा, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। क्योंकि आप ये थोड़ी करोगे आई हैव 100 मनी, आई हैव 50 मनी, आप ये तो नहीं बोलोगे ना, आप क्या बोलोगे, आई हैव 20 रुपीज, आई हैव 50 डॉलर्स। ठीक है, तो मनी में क्या लगेगा, मच, मनी जो है काउंटेबल नहीं होता है। और इसी चीज में बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो आपने इस चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जहां पर मनी की बात हो वहां पर मनी जो है काउंटेबल नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे आई हैव 100 मनी, आई हैव 20 मनी, अगर पर्टिकुलर पैसे रुपए डॉलर की बात हो रही है तो वहां पर हमने क्या लगाना है, मैंने लगाना है, अदरवाइज क्या लगाना है वहां पर, मच। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और आई होप आपको आज ये 5 मिनट के अंदर ये सारी एग्जांपल्स जो है क्लियर हो गई, और मच और मैंने का कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्या है ना, आई वेटेड फॉर डैश आवर्स। अब इन सब में ऑप्शन ये है कि आपको मैंने लगाना है कि मच लगाना है। तो हमने एक चीज सीख ली है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपने यहाँ देखना है आवर्स, आवर्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, घंटों को हम गिन सकते हैं ना, तो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, वहां हम क्या लगाएंगे, वहां हम लगाएंगे मैनी। ठीक है, अब मेरे आंसर से पहले अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो और उसके आंसर लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकंड, शी वाज बोर्न डैश अवार्ड्स। अवार्ड्स, अवार्ड्स की गिनती हम कर सकते हैं कि नहीं, काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैनी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, शी हैज बॉट डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की आप गिनती कर सकते हो ना, काउंटिंग कर सकते हो ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रेंड्स में क्या आ जाएगा, मैनी। नेक्स्ट देखते हैं, He has not got dash money. अब बता दो आप फटाफट क्या आएगा? Yes, बिल्कुल राइट, आप ये सीख चुके हो, मनी है तो क्या आएगा, मच, क्योंकि हम मनी की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, मच। ठीक है, नेक्स्ट, आई लाइक हिम वेरी, आई लाइक हिम वेरी डैश, आई लाइक हिम वेरी, हम उसको लाइक क्या करेंगे, मच। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक मच और मैनी का, काउंटेबल नॉन काउंटेबल, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आपने मेरी वीडियो को देखा और समझा। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, फिर पता कैसे लगेगा कि आपको वीडियोज पसंद आ रही है। ठीक है, मैं और भी इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो आपके क्लियर कराते रहूंगी। ठीक है, तो बेटा अब आप लास्ट है, आपने अगर वीडियो पॉज करके नीचे आंसर कमेंट में लिखे हैं तो अब आप साथ में अगले कमेंट में मुझे मार्क्स बताओ कि आपके कितने रह गए हैं। टोटल आउट ऑफ 5 आउट ऑफ अपने मार्क्स मुझे जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।